हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। मैं हूँ रिद्धिमा कौर रखराज और इस वीडियो में मैं आपसे हिस्ट्री के चैप्टर 3 दिल्ली सुल्तान्स के बारे में बात करने वाली हूँ। सबसे पहले सुल्तान क्या होता है? सुल्तान इज़ अरेबिक पर्शियन वर्ड फॉर किंग, राइट? इसका मतलब हम दिल्ली के राजाओं के बारे में इस चैप्टर में जानने वाले हैं। बिल्कुल ठीक, इस चैप्टर में हम बहुत सारी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, जैसे कि दिल्ली का नाम दिल्ली कैसे पड़ा, दिल्ली पर किन किन राजाओं ने रूल किया आदि के बारे में जानने वाले हैं। सेकेंड चैप्टर में हमने कावेरी डेल्टा के आसपास का एरिया देखा था, राइट? हमने बहुत सारे किंगडम्स और डायनेस्टीज के बारे में बात की थी, जैसे कि राष्ट्रकूतास, चोलास, चेरास, पांड्यास। अब हम थोड़ा सा नॉर्थ की तरफ जाएंगे और नॉर्थ में जमुना नदी के तट पर बसे एक खूबसूरत शहर के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है इंद्रप्रस्थ। फ्रेंड्स, आपको जानकर हैरानी होगी कि मेडिवल पीरियड तक दिल्ली का नाम इंद्रप्रस्थ था। अब सवाल ये उठता है कि इसका नाम दिल्ली कैसे पड़ा, तो मेरे साथ बने रहिए इस सवाल का जवाब जानने के लिए। हमने जितने भी किंगडम्स के बारे में बात की थी, चाहे चोलास हो जाए, चाहे पांड्यास हो जाए, उनमें कहीं पर भी दिल्ली का जिक्र नहीं था। शायद उनके लिए दिल्ली इम्पोर्टेंट नहीं थी। ये 12th century में आकर हुआ कि दिल्ली एक इम्पॉर्टेंट सिटी बनने लगी। अब क्या ऐसा हुआ था कि दिल्ली इतनी इम्पॉर्टेंट होने लगी? सबसे पहले तो यहाँ पर दिल्ली पर राज हुआ तोमर राजपूत्स का, जिनके राजा का नाम था अनंगपाल, राइट? सबसे पहले दिल्ली पर राज किया राजपूत तोमर राजा अनंगपाल ने, लेकिन कुछ ही सालों में ही लॉस्ट टू पृथ्वीराज चौहान, और इसके बाद अजमेर से आए पृथ्वीराज चौहान का दिल्ली पर राज होने लगा। लेकिन ये भी एक टाइम के बाद डिफीट हो गए पृथ्वीराज चौहान भी, और अल्टीमेटली इंडिया पर राज होने लगा कुछ फॉरेन से आए सुल्तान्स का। देखते हैं कैसे। अब दिल्ली का नाम दिल्ली कैसे पड़ा? दिल्ली शायद इनके अंडर में, तोमर्स और चौहान्स के अंडर में, एक इम्पॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर तो बन ही चुका था। इन्होंने इसे अपना कैपिटल भी बनाया, और दिल्ली में एक सबसे खास चीज़ जो हुई, कॉइंट मिंट करने का काम शुरू हुआ। कॉइंस मिंट करते करते इसका नाम पड़ा दिल्ली वाल, और दिल्ली वाल से इसका नाम जो है बहुत ही मशहूर हुआ, और समय के साथ दिल्ली भी हो गया। अब जैसे हम दिल्ली को आज देखते हैं, दिल्ली ऐसी पहले तो बिल्कुल भी नहीं थी, बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट टाउन नहीं था। लेकिन जैसे ही दिल्ली सुल्तान्स इंडिया में आने लगे 13th century में, ये एक इम्पॉर्टेंट सिटी बनने लगा, क्योंकि ये दिल्ली सुल्तान्स जो है वास्ट एरियाज को दिल्ली से ही एडमिनिस्टर करते थे। दिल्ली में आजकल के आसपास की जगह जो है, जैसे कि तुगलकाबाद, आदिलाबाद, ये सब भी फिरोज़ाबाद, ये सब भी दिल्ली के अंदर ही आने लगा। मतलब दिल्ली सिर्फ जो आज दिल्ली हम देखते हैं वही नहीं थी, उससे भी बड़ी थी उस टाइम पे। दिल्ली सुल्तान्स बिल्ट मेनी सिटी इन द एरियाज दैट वी नाउ नो एज दिल्ली। इन्होंने दिल्ली के ही आसपास बहुत सारी सिटीज़, छोटी छोटी सिटीज़ बसाई, और यहाँ से शुरू हुआ दिल्ली सुल्तान्स के इंडिया में आने का सफ़र। तो आइए इस चैप्टर में हम देखते हैं हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हम सबसे पहले दिल्ली के रूलर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, कि दिल्ली सुल्तान्स, जो जो सुल्तानों ने दिल्ली पर राज किया उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। हम इस चैप्टर में देखेंगे कि दिल्ली पर राज करने वाली 5 मेन डायनेस्टीज थी, जिनका नाम पहली ममूलक डायनेस्टी, या इसे हम स्लेव डायनेस्टी भी कहते हैं, उसके बाद खिलजी डायनेस्टी, फिर तुगलक डायनेस्टी, फिर सैयद डायनेस्टी, और फिर लोदी डायनेस्टी थी। लोदी डायनेस्टी के बाद जो है, लोदी डायनेस्टी के लास्ट रूलर इब्राहिम लोदी लॉस्ट टू बाबर, और यहाँ से स्टार्ट होता है मुगल रूल इंडिया में, जिसे हम 4th chapter में पढ़ेंगे।
फिलहाल इस चैप्टर में हम रूलर्स ऑफ दिल्ली के बारे में पढ़ेंगे, दिल्ली के वेरियस रूलर्स के बारे में जानेंगे, और सबसे खास बात यहाँ की एक वुमेन रूलर रज़िया सुल्तान के बारे में जानेंगे। बहुत ही यूनिक कहानी थी इनकी। फिर हम एक्सपेंशन ऑफ दिल्ली सल्तनत के बारे में बात करेंगे कि दिल्ली सल्तनत कैसे समय के साथ बढ़ता 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 ही चला गया। फिर हम खिलजीज और तुगलक्स, दो बहुत ही मेन डायनेस्टीज खिलजीज और तुगलक्स के बारे में बात करेंगे। फिर हम 15th और 16th सेंचुरी में सल्तनत पीरियड की बात करेंगे, और हर चैप्टर की तरह इस चैप्टर में भी लास्ट में हम रीकैप करेंगे इस चैप्टर का क्विक और एक्सरसाइजेस की बात करेंगे। तो आइए अब हम बात करें दिल्ली के रूलर्स की, तो दिल्ली पर सबसे पहले राजपूत डायनेस्टीज़ का रूल था, जिनमें तोमर्स थे, जिनके राजा का नाम था अनंगपाल। इसके बाद राज हुआ चौहान्स का, पृथ्वीराज चौहान, जो कि बहुत ही फेमस रूलर रहे हैं। ये अनंगपाल तोमर राजपूत, जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्रेव किंग रिगार्ड किए जाते हैं दिल्ली के, और उसके बाद रूल हुआ दिल्ली पर अजमेर के बहुत फेमस ब्रेव किंग पृथ्वीराज चौहान का। और पृथ्वीराज चौहान के बाद 1206 में टर्किश रूलर्स, मतलब कि टर्की से आए हुए रूलर्स, मतलब जो कि अरेबिक या पर्शियन कंट्रीज से आए हुए थे, मिडिल ईस्ट से आए हुए रूलर्स ने इंडिया पर इन्वेजन स्टार्ट की, और सबसे पहले रूलर बने कुतुबुद्दीन ऐबक। और 1206 से ही पीरियड स्टार्ट हुआ दिल्ली सल्तनत का। दिल्ली सल्तनत का पीरियड 1206 से स्टार्ट होता है विद रूल ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत पे करीब 5 डायनेस्टीज़ का रूल था, जिसमें से कि पहली डायनेस्टी जो थी वो थी ममूलक डायनेस्टी, जिसे हम स्लेव डायनेस्टी भी कहते हैं। इसी के रूलर थे कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आए इल्तुतमिश, और फिर एक बहुत ही फेमस वुमेन रूलर रज़िया सुल्तान आई। इसके बाद आए खिलजीज, फिर आए तुगलक्स, फिर आए सैयद्स, फिर आए लोदीज, राइट। और ऐसे ही ये दिल्ली सुल्तान्स का सिलसिला जो है करीब 320 ईयर्स तक आता रहा। टोटल 32 सुल्तान्स ने रूल किया, इनमें से 31 सुल्तान्स मेल थे और सिर्फ एक फीमेल रूलर थी, वुमेन रूलर थी, जिनका नाम था रज़िया सुल्तान। इनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है इतिहास में, क्योंकि ये दिल्ली सल्तनत की एकमात्र वुमेन रूलर रही हैं। शी वॉज नोन फॉर हर ब्रेवरी कैपेबिलिटीज। और फिर दिल्ली सल्तनत का जो एंड है वो 1526 एडी में, करीब 320 साल के बाद होता है, विद द लास्ट रूलर बीइंग इब्राहिम लोदी ऑफ लोदीज, जिनकी की लड़ाई हो जाती है बाबर से,
और फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इस लड़ाई का नाम है। पानीपत में ये लड़ाई होती है क्योंकि, और यहाँ पर इब्राहिम लोदी आकर हार जाते हैं और बाबर जीत जाते हैं, और यहीं से स्टार्ट होता है बाबर का रूल इंडिया में, मुगल रूल इंडिया में, और दिल्ली सल्तनत का रूल जो है 1526 में इंडिया में एंड हो जाता है, राइट। तो 1206 से लेकर 1526 तक ये दिल्ली सल्तनत का पीरियड करीब 320 साल तक चला, जिसमें कि 32 राजाओं ने रूल किया। सबसे पहले थे कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि ममूलक डायनेस्टी के थे, इसके बाद आए शमशुद्दीन इल्तुतमिश, फिर आई रजिया सुल्तान, फिर आए जियासुद्दीन बलबन। रजिया सुल्तान ममूलक या स्लेव डायनेस्टी की सबसे फेमस रूलर रही हैं। जियासुद्दीन बलबन को डिफीट कर रूल पे आई खिलजी डायनेस्टी, जिनका की रूल 1290 से लेके 1320 तक रहा। इसके दो फेमस रूलर्स हुए अलाउद्दीन खिलजी और जलालुद्दीन खिलजी। फिर इसके बाद आई तुगलक डायनेस्टी, और तुगलक डायनेस्टी में का रूल रहा 1320 से लेके 1414 तक, जिसमें कि तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर्स रहे, जियासुद्दीन तुगलक, सबसे मेन मोहम्मद बिन तुगलक, और लास्ट में फिरोज शाह तुगलक। और फिर इसके बाद फोर्थ नंबर पे आती है सैयद डायनेस्टी, जिसके कि एक रूलर बस फेमस हुए जिनका नाम था खिज्र खान। और इसके बाद लास्ट में आती है लोदी डायनेस्टी, जिसके कि रूलर थे बहलूल लोदी, जिसके फाउंडर थे बहलूल लोदी। और इसके बाद लास्ट में थे इब्राहिम लोदी भी। तो पांच मेन डायनेस्टीज, ममूलक या स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी और लोदी डायनेस्टी। इन सभी डायनेस्टीज में हम सबसे मेनली पढ़ने वाले हैं सबसे पहले ममूलक डायनेस्टी की रूलर रजिया सुल्तान के बारे में, फिर सेकंड खिलजी अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, और फिर लास्ट में हम पढ़ेंगे इब्राहिम लोदी के बारे में थोड़ा सा, जिसके बाद की मुगल अम्पायर इंडिया में स्टार्ट हुआ। तो ये था फर्स्ट टॉपिक हमारा रूलर्स ऑफ दिल्ली। हमने सभी रूलर्स का एक इंट्रोडक्शन लिया, इसके बाद हम इन रूलर्स को डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। अब दिल्ली के सुल्तान्स को डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे, फाइंडिंग आउट अबाउट द दिल्ली सुल्तान्स। ऑल्दो इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स एंड आर्किटेक्चर प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, स्पेशली वैल्यूएबल आर हिस्ट्रीज, तारीख्स रिटन इन पर्शियन। अब हम देखेंगे कि जैसे हमने पिछले चैप्टर में प्रशस्तीज के बारे में पढ़ा कि लर्नड ब्राह्मण्स जो हैं प्रशस्तीज लिखा करते थे इन द प्रेज ऑफ किंग्स, तो यहाँ पर सुल्तान्स की प्रेज में बिल्कुल वैसे ही तारीख्स लिखी जाती थी, और ये लिखने वाले जो हैं ये, लेकिन सारी ही पर्शियन लैंग्वेज में होती थी, और इसे लिखने वाले जो हैं लर्नड मैन हुआ करते थे, और ये भी इनके दरबार के पोएट्स हुआ करते थे, कोटियर्स हुआ करते थे, जो कि हमेशा कोर्ट में रहते थे, गवर्नेंस में हेल्प करते थे, जस्टिस में रूल करते थे, सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस में हेल्प करते थे, राइट। तो मतलब तारीख्स ही प्रशस्तीज के लिए पर्शियन वर्ड है। अब इस पिक्चर को देखें तो इस पिक्चर में हम पहले, सबसे पहले देख सकते हैं कि कोई आदमी जो है यहाँ पर पेपर प्रिपेयर करने की कोशिश कर रहा है, सेकंड में कुछ इंक पॉट को लेकर उसमें टेक्स्ट लिखने की कोशिश कर रहा है, और थर्ड वाले में शायद कुछ मेल्ट करके गोल्ड से कॉइन्स बनाने की या उस पर कुछ लिखने की कोशिश कर रहा है, और फोर्थ वाला जो है वो चीज़ों को बाइंड करने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब दिल्ली सुल्तान्स के टाइम पे बहुत सारी इंस्क्रिप्शंस या कॉइन्स पे चीज़ें लिखी जाती थी कुछ इस टाइप से, राइट। लेकिन इन्हें पढ़ना और समझना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये सभी पर्शियन में है, लेकिन कहीं कहीं पर ऐसे घोड़े पर कोई सुल्तान बैठा हुआ दिखता है, तो इसका मतलब ये राजा के ही बारे में कुछ लिखा हुआ है। अब इसके बाद बात करें सर्कल ऑफ जस्टिस की, तो मुखीरे मुद्दाबीर करके एक पर्सन है, उन्होंने 13th सेंचुरी में अपना एक स्टडी की और उसके हिसाब से उन्होंने बताया कि अ किंग कैनॉट सर्वाइव विदाउट सोल्जर्स। बिल्कुल सही बात है, राजा अकेला तो कुछ भी नहीं कर सकता, उसे अपने सोल्जर्स की ज़रूरत है पावर दिखाने के लिए, पावरफुल बनने के लिए, और सोल्जर्स कभी भी सैलरीज के बिना सपोर्ट
के बिना नहीं रह सकते। अब सोल्जर्स किंग का सपोर्ट करते हैं लेकिन सैलरीज पे करते हैं, राइट? हमारे देश में भी तो ऐसा ही होता है आज भी कि जो भी हमारे फौजी भाई हैं वो सैलरी लेकर अपनी जान जोखिम में डालते हैं और हमारी रक्षा करते हैं। बिल्कुल, बहुत रिस्पेक्ट है इनके लिए, लेकिन ये सब सैलरीज पे ही होता है। अब सैलरीज कहाँ से आती हैं? जैसे आज हम टैक्स देते हैं उससे सैलरीज आती हैं, तो पुराने टाइम पे जो भी पीजेंट्स टैक्स दिया करते थे, रेवेन्यू देते थे, उस पे फौजीज की सैलरीज जाया करती थी, सोल्जर्स की। अब बट पीजेंट्स का कैन पे टैक्स ओनली व्हेन दे आर प्रॉस्परस एंड हैप्पी। अब टैक्स तो वही दे पाएगा जिसके पास पैसा है और खुश है, जिसके पास पैसा ही नहीं तो वो टैक्स कहाँ से देगा। और दिस हैपन्स, कोई टैक्स तभी दे पाएगा, कोई तभी खुश हो पाएगा जब राजा जो है किसी के साथ भी जो है जस्टिस करेगा, ऑनेस्ट गवर्नेंस देगा। मतलब आज भी तो हम सरकार का सपोर्ट तभी कर पाएंगे जब सरकार हमारे लिए कुछ अच्छा करेगी। हम सरकार हमारे लिए कुछ अच्छा करेगी तो हम उन्हें टैक्स देंगे। वो उस पैसे से जो है आर्म्स एंड एम्यूनिशन खरीदा जाएगा और उसी पैसे से जो हमारे सैनिक हैं वो उस पैसे से सैलरी लेकर हमारी रक्षा करेंगे और हमारी रक्षा करेंगे और ऐसे ही ये साइकिल जो है चलता रहेगा, राइट? अब कुछ एडिशनल चीज़ें तारीख के बारे में जानेंगे कि तारीख लिखने वाले सभी के सभी लोग जो हैं वो दिल्ली के आसपास रहा करते थे। बिल्कुल सच में उन्हें, क्योंकि पता होता था कि दिल्ली में सुल्तान रहता है, हमें सुल्तान को ही लिखकर प्रशस्ति या तारीख देनी है तो उसके पास ही रहेंगे। कभी कभार गांव में जाके रहते थे। दे ऑफन रोट देयर हिस्ट्रीज फॉर सुल्तान्स इन होप ऑफ रिच रिवॉर्ड्स। यस, बिल्कुल उन्हें लालच हुआ करता था तारीख राइटर्स को भी कि हम सुल्तान के बारे में कुछ कुछ अच्छा अच्छा बताएंगे तो सुल्तान हमें खुश होकर बहुत पैसे देगा, जैसे कि प्रशस्तीज के टाइम पे होता था। अब ये ऑथर्स जो हैं ये बहुत सारे आइडियाज दिया करते थे, कोर्ट में गवर्नेंस में हेल्प करते थे और स्पेशली दो आइडियाज़ ये दिया करते थे, एक बर्थ राइट का और एक जेंडर डिस्टिंक्शंस का। अब ये आइडियाज़ हर किसी से शेयर नहीं किए जाते थे, मतलब कोई भी आकर राजा की कोर्ट में आइडिया दे देगा ऐसा नहीं होता था। बर्थ राइट का मतलब होता था प्रिविलेजेस क्लेम्ड ऑन अकाउंट ऑफ बर्थ। अब मैं क्षत्रिय क्लान में पैदा हुई हूँ तो भाई मैं महान हो गई, क्षत्रियाज में पैदा हुई हूँ या मैं ब्राह्मण में पैदा हुई तो मैं महान हो गई, लेकिन अगर शूद्र जाति में पैदा हुई तो आई एम अंडर डिप्राइव्ड, हाँ हम तो बेचारे लोग हैं, इस टाइप की चीज़ें उस टाइम पे बहुत ज़्यादा बिलीव की जाती थी। फॉर एग्जाम्पल, पीपल बिलीव दैट नोबल्स इनहेरिटेड देयर राइट्स टू गवर्न बिकॉज दे वर बॉर्न इन सर्टन फैमिलीज। अब लोगों का ऐसा मानना था कि क्योंकि मैं क्षत्रिय फैमिली में पैदा हुई हूँ तो हाँ मैं राजा बनने के लायक हूँ, मेरे पापा भी राजा हैं और वो बहुत केपेबल हैं बट मैं केपेबल नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि मैं क्षत्रिय फैमिली में बॉर्न हुई हूँ तो मैं ही राजा बनूंगी, मैं ही वॉरियर बनूंगी। तो इस टाइप की चीज़ें थी। और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट था जेंडर डिस्टिंक्शंस। अब जेंडर डिस्टिंक्शन का मतलब होता है सोशल एंड बायोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन वुमेन एंड मेन। अब मेन को उस जमाने में और आज भी बहुत ज़्यादा कई लोग सुपीरियर समझते हैं और उस जमाने में तो वुमेन को बहुत ही ज़्यादा इन्फीरियर समझा जाता था मेन से। ऐसा माना जाता था कि मेन जो हैं बहुत ज़्यादा सुपीरियर हैं और उन्हीं में ही रूल करने की कैपेबिलिटीज़ हैं और वुमेन जो हैं हमेशा उनकी सबॉर्डिनेट, मतलब कि उनके रूल के अंडर ही रहेंगी। अब ऐसा ही एक स्पेशल केस स्टडीज हम देखेंगे रज़िया सुल्तान का, राइट? रज़िया सुल्तान जो कि 1236 में रूलर बनी दिल्ली की, राइट? ये डॉटर थी इल्तुतमिश की।
बात करें रज़िया सुल्तान की, तो रज़िया सुल्तान 1236 में रूलर बनी थी और ये इल्तुतमिश की डॉटर थी। रज़िया सुल्तान बहुत ही ज़्यादा एबल रूलर थी क्योंकि शी वॉज़ द फर्स्ट एंड द लास्ट वुमेन सुल्तान ऑफ दिल्ली, राइट। इल्तुतमिश को अपनी बेटी पर पूरा पूरा यकीन था कि मेरी बेटी बेटों से भी ज़्यादा काबिल है, राइट। अब रज़िया के किंग बनने के बाद द क्रॉनिकलर ऑफ दैट एज मिन्हाजी सिराज रिकग्नाइज दैट शी वॉज मोर एन एबल क्वालिफाइड देन हर ब्रदर्स। बिल्कुल मिन्हाजी सिराज को भी इल्तुतमिश की तरह यही लगता था कि रज़िया सुल्तान जो है बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड है, एबल है। मिन्हाजी सिराज ने रज़िया सुल्तान के बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखी, जैसे कि लोग इनके बारे में कंफर्टेबल नहीं थे कि एक क्वीन उन्हें रूल करें, और नोबल्स भी बिल्कुल हैप्पी नहीं थे कि उन्हें एक रानी रूल करे। तो इसलिए सिर्फ 4 साल के अंदर ही 1240 में रज़िया सुल्तान को उनके थ्रोन से हटा दिया गया, राइट। अब मिन्हाजी सिराज के हिसाब से कि क्वीन जो है वो गॉड की विल के अगेंस्ट है, सोशल ऑर्डर के अगेंस्ट हो गया वो गॉड के। अब इनके हिसाब से हमेशा ही, नॉट मिन्हाजी सिराज बट सोसाइटी के हिसाब से, हमेशा ही वुमेन वाज सपोज टू बी सबऑर्डिनेट टू मेन, मतलब मेन के अंडर में रहने के लिए ही बनी थी। He therefore asked to register in the register of God's creation since her account did not fall under the column of men. How did she gain from all her excellent qualities? मतलब कि मिन्हाजी सिराज रज़िया सुल्तान की तारीफ करते हुए बता रहे हैं कि गॉड ने पता नहीं कैसे इनके अंदर इतनी सारी क्वालिटीज़ डाली एक लड़की होने के बाद भी। On her inscription and coins, Razia Sultan, that she was the daughter of Sultan Iltutmish. मतलब daughter हमेशा बताती थी, बहुत ही proud daughter थी Razia Sultan Iltutmish की, और inscriptions पे हमेशा लिखा जाता था कि daughter of Iltutmish, मतलब कि Razia Sultan या Iltutmish, कभी भी इन्होंने Razia Sultan का gender नहीं छुपा। बिकॉज इल्तुतमिश को कहीं ना कहीं पता था कि रज़िया सुल्तान एक बहुत ही एबल रूलर है। दिस वॉज इन कॉन्ट्रास्ट टू द क्वीन रुद्रमणि इन 1262। मतलब इल्तुतमिश तो हमेशा से ही बोलते थे मेरी बेटी रूलर है और वो बहुत ही एबल रूलर है, लेकिन ऐसा ही कुछ होता था रुद्रमणि रुद्रमा देवी जो कि साउथ की वारंगल की काकटिया डायनेस्टी की रूलर थी आज के मॉडर्न डे आंध्रा से। तो रुद्रमा देवी जो है इन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया था इंस्क्रिप्शंस पे, और ये ऐसा प्रटेंड करती थी कि शी इज़ अ मैन, मतलब इन्होंने कभी किसी को पता नहीं चलने दिया था कि ये वुमन है, मतलब जेंडर छुपाती थी। और ऐसा ही एक और केस है दीदा जो कि कश्मीर की रूलर थी 980 से लेके 1003 तक, करीब इन्होंने 23 साल तक रूल किया। और सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि लोग इन्हें दीदी कह के रिगार्ड करते थे, मतलब एल्डर सिस्टर। मतलब कि ये सोचने वाली बात ये है कि एक वुमेन रूलर होकर भी अपने सब्जेक्ट्स को कितनी ज़्यादा प्यारी थी।
अब हम बात करेंगे इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक की, फ्रॉम गैरिसन टाउन टू एम्पायर द एक्सपेंशन ऑफ दिल्ली सल्तनत। ये हमारे चैप्टर का सेकेंड टॉपिक है। इसके पहले हमने रूलर्स ऑफ दिल्ली के बारे में पढ़ा और सेकेंड अब हम पढ़ रहे हैं एक्सपेंशन ऑफ सल्तनत। अब एक्सपेंशन की बात करें तो ये मैप हमें शमशुद्दीन इल्तुतमिश के अंडर की जो मेजर सिटीज़ हैं उनके बारे में बताता है, जैसे बनारस हो गई, अवध हो गई, रणथंबोर, ग्वालियर, अजमेर, मुल्तान, लाहौर, राइट, और इसके अलावा दिल्ली के तो थे ही वो सुल्तान, राइट। तो ऐसे करके बहुत सारी सिटीज़ शमशुद्दीन इल्तुतमिश ने अपने अंडर ली थी। In 19th century, the control of Delhi sultans rarely went beyond heavily fortified towns occupied by garrisons. The sultans seldom controlled the hinterland of the cities and were therefore dependent upon trade, tribute or plunder of supplies. Hinterland ka matlab kya hota hai? The land adjacent to the city or port that supply it with goods and services. अब सुल्तान्स 13th सेंचुरी तक कभी भी दिल्ली के आजू बाजू के एरियाज जो कि हिंटरलैंड्स हैं उन्हें कंट्रोल नहीं करना चाहते थे, कभी वहाँ पर अपने एरिया को एक्सपैंड करने का सोचते ही नहीं थे। जहाँ तक उनके सुल्तान के सोल्जर्स की लिमिट है वहीं तक ही रहते थे, कभी भी अपनी सिटी से बाहर निकलने की कोशिश नहीं करते थे। इसलिए टोटली डिपेंडेड अपॉन ट्रेड थे कि हाँ हम लोगों से जो रेवेन्यू जनरेट लेते हैं, रेवेन्यू जनरेट होता है उसी से ट्रेड करेंगे, उस या आजू बाजू के एरियाज का कोई बंदा आकर हमें ट्रिब्यूट दे जाए या हम प्लंडर कर लेंगे सप्लाईज के लिए, लेकिन इन एरियाज को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करेंगे, कैप्चर करने की कोशिश नहीं करेंगे। कंट्रोलिंग गैरिसन टाउन्स, गैरिसन टाउन्स क्या होता है? अ फोर्टिफाइड सेटलमेंट विद सोल्जर्स। मतलब दिल्ली में रहते थे सारे सुल्तान, तो अब ये यहाँ से दिल्ली से रहकर सारे जो सोल्जर्स हैं उन जो कि बंगाल तक चले गए हैं या सिंध तक चले गए हैं दिल्ली से, इनको कंट्रोल करना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट था। क्यों? हो सकता है वो दिल्ली में थे तो राजा से डरते थे, सुल्तान से डरते थे, लेकिन अब तो वो बंगाल चले गए हैं, उन्हें पता है सुल्तान उनके पीछे आ नहीं सकता, क्योंकि सुल्तान को अगर बंगाल आना है तो उसे नदी पार करके जाना पड़ेगा, और सोल्जर तो भाई सोल्जर होता है, वो पार कर लेता है। अब सुल्तान इतना ज़्यादा एबल है कि नहीं पता नहीं, और हो सकता है कि अभी नदियों में बहुत ज़्यादा पानी भर गया है बरसात की वजह से, तो गंगा नदी को पार ही नहीं कर पाएगा, या जमुना नदी जो कि बिल्कुल ही दिल्ली के आउटस्कर्ट्स पे है उसको पार ही नहीं कर पाएगा सुल्तान। तो क्या फ़र्क पड़ता है, सुल्तान ने कुछ बोल के भेजा था और हम कुछ करें। अब रिबेलियन हो जाए या किसी से लड़ाई हो जाए या बैड वेदर की वजह से कहीं कम्युनिकेशन ना हो पाए, तो इसमें सुल्तान तो बेचारा कुछ कर ही नहीं पाएगा। और इसके अलावा जो गवर्नर्स थे या आजू बाजू के पावर्स थे, अथॉरिटीज़ थी, जैसे कि मंगोल्स जो कि अफ़गानिस्तान के थे, ये तो चाहते थे कि सुल्तान की कोई वीकनेस पता चले और हम इसे हराने की कोशिश करें, इससे एरिया छीनने की कोशिश करें। जो गवर्नर्स थे वो भी जानते थे कि सुल्तान की वीकनेस क्या है, सुल्तान मैं गवर्नर जानता है, मैं रहता हूँ लाहौर में, लाहौर आने नहीं वाला सुल्तान, तो मैं यहाँ पर अपना ही रूल चलाते रहूँ, और कोई इतनी कम्युनिकेशन की सोर्सेज भी नहीं हुआ करती थी। अब सुल्तान के लिए ये सारे चैलेंजेस को बेयर करना बहुत डिफिकल्ट चीज थी। अब सल्तनत बेयरली सर्वाइव दीज चैलेंजेस। अब सल्तनत का इकट्ठा होना, कंसोलिडेशन जो का जो टाइम था वो जियासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद तुगलक के अंडर आया। मतलब सुल्तान जो हैं या तो अलाउद्दीन खिलजी या फिर मोहम्मद बिन तुगलक, यही दो सुल्तान थे जिन्होंने कि पांच सारी डायनेस्टीज में से जिन्होंने अपना एरिया एक्सपैंड करने की। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक दोनों बहुत ज़्यादा एबल रूलर्स थे और इन्होंने ही अपना एरिया एक्सपैंड करने की कोशिश की। द फर्स्ट कैंपेन्स हेल्ड अलॉन्ग द इंटरनल फ्रंटियर ऑफ द सल्तनत एम एट कंसोलिडेटिंग हिंटरलैंड्स टू गैरिसन टाउन्स। अब फर्स्ट कैंपेन में इन्होंने क्या किया कि हिंटरलैंड्स और गैरिसन टाउन्स, मतलब जहाँ पे सैनिक रहते हैं वो एरियाज को आजू बाजू के एरियाज के साथ मिला दिया जाए। अब ये कैंपेन्स के लिए इन्हें बहुत सारे फॉरेस्ट क्लियर करने पड़े, गंगा जमुना के बीच के एरिया के हंटर गैदरर्स या पैस्टलिस्ट जो वहाँ पे रहते थे उन्हें उनके हैबिटाट से निकाल दिया गया
और जो भी लैंड था वो पीजेंट्स को दिया गया और पीजेंट्स को उस पर एग्रीकल्चर करने को बोला गया। एग्रीकल्चर काफ़ी ज़्यादा इंकरेज होने लगा। न्यू फोर्ट्रेसेस, गैरिसन टाउन्स एंड टाउन्स वर एस्टैब्लिश्ड टू प्रोटेक्ट ट्रेड रूट्स टू प्रमोट रीजनल ट्रेड। लेकिन अभी भी ट्रेड पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे और चाहते थे कि ट्रेड रूट्स किसी भी तरीके से बचे रहें, इसलिए यहाँ पर गैरिसन टाउन्स और टाउन्स भी बनाते थे ये अपने ट्रेड रूट पे। सपोज़ मैं बात करूँ बिहार से, अगर मेरी कोई सप्लाईज आती हैं तो बिहार के रास्ते में सारे ही अपने सैनिक तैनात कर दिए जाते थे कि जब भी कोई सप्लाईज आ रही हैं तो वो इजिली आ सकें। और सेकेंड एक्सपेंशन हुई वो अंडर एक्सटर्नल फ्रंटियर जो कि मिलिट्री की हेल्प से हुई, सदर्न इंडिया के पार्ट में अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे और मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम तक चली। अलाउद्दीन खिलजी जो कि दिल्ली के राजा थे, इन्होंने दिल्ली के अलावा बहुत सारे एरियाज़ जैसे कि वारंगल हो गया, थंजौर हो गया, मदुराई हो गया, चित्तौड़ हो गया, सोमनाथ हो गया, रणथंबोर हो गया, मंडू हो गया, देवगिरी हो गया, ऐसे ही बहुत सारे एरियाज को इन्होंने अपने अंडर लेने की कोशिश की। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम तक ये चीज़ें चलती रहीं और ये लोग जब भी कहीं पर जाते थे कैंपेन के लिए तो आर्मीज जो हैं वहाँ के उस एरिया के सारे ही हाथी, हॉर्सेस, स्लेव्स मतलब हमारे जो गुलाम होते थे उन्हें गुलाम्स को स्लेव्स को कैप्चर कर लिया करते थे। और प्रेशियस मेटल, चाहे वो सोना हो, चाहे चांदी हो, चाहे कुछ और भी हो, हीरा मोती जो भी मिले उसे भी अपने साथ कैरी अवे कर लेते थे। मतलब प्लंडर पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे। बाय द एंड ऑफ मुगल मोहम्मद तुगलक्स रीजन 150 ईयर्स आफ्टर समवट हम्बल बिगनिंग्स द आर्मी ऑफ सल्तनत हैड मार्च्ड अक्रॉस लार्ज पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। और ये एक्चुअली अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक के ही अंडर हो पाया था कि सल्तनत के अंडर बहुत बड़ा एरिया हो गया था। दे हैड यू नो राइवल आर्मी जिनको कि वो कंटिन्यूसली डिफीट करते रहते थे। मतलब अब कोई भी, अगर मैं दिल्ली की राजा हूँ और मैं अजमेर में जाऊँ तो कोई मुझे वेलकम तो करेगा नहीं। तो ये लोगों ने बहुत सारे राइवल आर्मीज़ को डिफीट किया, सिटीज़ को सीज किया, बहुत सारे लोगों से टैक्सेस लेते थे पीजेंट से और वहाँ पर जस्टिस देते थे। एनी हाउ इन्होंने इन एरियाज़ को तो अपने अंडर ले लिया था, वास्ट टेरिटरीज़ को अपने कंट्रोल में ले लिया था, बट हाउ कंप्लीट एंड इफ़ेक्टिव वाज इट्स कंट्रोल। अब इसको कंट्रोल कैसे करते थे, इसी चीज़ को हम चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ये एक्सपेंशन था। अब हम इसी चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे, राइट। क्लोजर लुक तुगलक एंड खिलजी, इसमें हम तुगलक्स और खिलजीज की जो कि तुगलक डायनेस्टी और खिलजी डायनेस्टी की एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट हम बात करने वाले मस्जिद की। मस्जिद क्या होती है? तो मस्जिद इज अ अरेबिक वर्ड फॉर मॉस्क। मॉस्क क्या होती है? मॉस्क वो जगह होती है जहाँ पे मुस्लिम्स जाकर अल्लाह की पूजा करते हैं, राइट। ऐसे मॉस्क के अंदर जाकर अल्लाह का नाम लेते हैं, नमाज पढ़ते हैं। इंडिया में बहुत सारी ब्यूटिफुल मॉस्क्स हैं, स्पेशली दिल्ली सल्तनत के टाइम पे बनी हुई। सब में से फेमस एक मॉस्क है जामा मस्जिद, राइट, जिसमें कि बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठे होके प्रे कर सकते हैं, नमाज पढ़ सकते हैं। जैसे हम हिंदूज देखेंगे कि हम आरती करते हैं तो मुस्लिम्स बिल्कुल वैसे ही नमाज पढ़ते हैं सभी मिलकर। और मेंबर्स ऑफ द कॉन्ग्रीगेशन चूज मोस्ट रिस्पेक्टेड लर्निंग लर्नेड मेल एज देयर लीडर, जिसे हम इमाम कहते हैं।
मतलब पूरे समाज में से एक बहुत ही लर्नड पर्सन होते हैं, जैसे हमारे महाराज जी हो गए, मंदिर के पंडित जी जो हो गए, जिन्हें की बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है रिलीजन की, तो ऐसे ही इमाम साहब होते हैं जिन्हें, जो कि सारी रिचुअल्स करते हैं मस्जिद में, और जिन्हें अपने धर्म की बहुत ज़्यादा नॉलेज भी होती है। बहुत ही लर्नड मैन होते हैं, रिस्पेक्टेड मैन होते हैं, जैसे सिखों में ग्रंथी होते हैं, या क्रिश्चियंस में पास्टर्स होते हैं, फादर्स होते हैं, राइट। ही ऑल्सो डिलीवर्स सर्मन्स, खुतबा ड्यूरिंग फ्राइडे प्रेयर्स। इस्लाम के हिसाब से फ्राइडे को, मतलब कि जुम्मे के दिन, नमाज ज़रूर पढ़ी जाती है, और काजी साहब या इमाम साहब जो होते हैं लोगों को सर्मन्स, मतलब टीचिंग्स देते हैं, खुतबा जिसे हम कह सकते हैं, लोगों को धर्म के बारे में समझाना, सिखाना। ड्यूरिंग प्रेयर्स मुस्लिम स्टैंड फेसिंग टुवर्ड्स मक्का, इन इंडिया इट इज़ टुवर्ड्स द वेस्ट एंड इट इज़ कॉल्ड क़िबला। सारे ही मुस्लिम्स मक्का की तरफ, जो कि सबसे फेमस वर्ल्ड की सबसे बड़ी मॉस्क है, उसकी तरफ फेस करके जो है प्रे करते हैं। तो इंडिया में इसका डायरेक्शन वेस्ट की तरफ आता है, तो सारे ही मुस्लिम्स वेस्ट की तरफ देख के प्रे करते हैं, एंड दिस इज़ कॉल्ड क़िबला। मतलब कि प्रे करने का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, उसी डायरेक्शन में वेस्ट की तरफ देख कर ही हमेशा प्रेयर्स की जाती हैं, स्पेशली नमाज, राइट। अब इस पिक्चर में दी हुई मॉस्क के बारे में बात करेंगे। कुवतल अल इस्लाम मॉस्क जो है, ये मॉस्क है और मिनारेट है, बिल्ट ड्यूरिंग द लास्ट डिसेड ऑफ 12th century, मतलब कि डिसेड मतलब होता है 10 years। दिस वॉज द कॉन्ग्रीगेशनल मॉस्क, मतलब जिसमें बहुत सारे लोग एक साथ प्रेयर कर सकते हैं। दिल्ली की ये फर्स्ट ऐसी कॉन्ग्रीगेशनल मॉस्क है, और दिल्ली सुल्तान्स डिस्क्राइब इन क्रॉनिकलर्स एज दिल्ली ई कोना, मतलब द ओल्ड सिटी। द मॉस्क वॉज इनलार्ज्ड बाय इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी, मतलब कि ये मॉस्क पे भी रिकंस्ट्रक्शन का या रिनोवेशन का काम, इनलार्जमेंट का काम इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। द मीनार वॉज बिल्ट बाय 2 sultans, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश। देखिए, इल्तुतमिश ने इनलार्ज भी करवाया मॉस्क को और इसके मीनार्स भी बनवाए, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा अपने धर्म से जुड़े हुए इंसान थे इल्तुतमिश, रज़िया सुल्तान के पिताजी। जैसे इस पिक्चर में हमें एक मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम की बनी हुई बेगमपुरी मॉस्क, जो कि जहाँ पना में थी, बहुत ही ज़्यादा फेमस मॉस्क है दिल्ली की, राइट। अब दिल्ली सुल्तान्स की बात करें तो दिल्ली सुल्तान्स ने पूरे ही इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बहुत सारी मॉस्क्स बनवाई, ब्यूटीफुल मॉस्क बनाई। दीज डिमॉन्स्ट्रेटेड देयर क्लेम्स टू बी प्रोटेक्टर्स ऑफ इस्लाम एंड मुस्लिम्स। अब जैसे हमने देखा था मिडिवल पीरियड में हिंदूज के लिए टेम्पल्स बनाना वॉज कंसिडर्ड अ गुड ओमान, बिल्कुल वैसे ही मुस्लिम्स भी मॉस्क बनवाते थे और इस्लाम को प्रोटेक्ट करते थे, लोगों में प्रमोट करते थे, राइट। मॉस्क ऑल्सो हेल्प टू क्रिएट द सेंस ऑफ कम्युनिटी ऑफ बिलीवर्स हु शेयर्ड अ सिस्टम एंड कोड ऑफ कंडक्ट। अब मतलब सारे लोग जो इस्लाम को फॉलो करते हैं, उनके लिए भी तो कोई कॉन्ग्रीगेशनल हॉल होना चाहिए जहाँ पे वो इकट्ठे हों, जहाँ पे अपने धर्म की बात करें। तो मॉस्क ये पर्पस सर्व करती थी। इट वॉज नेसेसरी टू रीइंफोर्स द आइडिया ऑफ कम्युनिटी बिकॉज मुस्लिम्स केम फ्रॉम अ वराइटी ऑफ बैकग्राउंड्स। कहीं ना कहीं इनके ऊपर भी एक, सारे मुस्लिम्स के ऊपर भी एक ऐसा ही आइडिया ऑफ कम्युनिटी लगाना ज़रूरी था, क्योंकि ये लोग वैरायटी ऑफ बैकग्राउंड से आए थे। जैसे ये मौत की मस्जिद बिल्ट इन द रीजन ऑफ सिकंदर लोधी बाय द मिनिस्टर, ये वाली मॉस्क बहुत सुंदर मॉस्क बनी हुई है, जो कि सिकंदर लोधी के टाइम पे बनी थी। फिर इसके बाद हम देखें तो मॉस्क ऑफ जमाली कमाली बिल्ट इन लेट 1520, बहुत सुंदर सुंदर मॉस्क इंडिया में बनी हुई है। अब इसके बाद हम बात करेंगे अ क्लोजर लुक एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंसोलिडेशन अंडर खिलजीज एंड तुगलक्स। मतलब अब हम इस चैप्टर के थर्ड टॉपिक क्लोजर लुक खिलजीज एंड तुगलक्स के बारे में बात करेंगे। तुगलक और खिलजीज को डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे।
अब हम इसके बाद एक क्लोजर लुक लेंगे खिलजीज और तुगलक्स के एडमिनिस्ट्रेशन की। अब इतने बड़े अंपायर को, दिल्ली सल्तनत को चलाना कोई इजी काम नहीं था। इसके लिए हमें बहुत सारे रिलायबल गवर्नर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स की ज़रूरत थी। अब बहुत सारे लोग तो गवर्नर्स को और एडमिनिस्ट्रेटर्स को अपॉइंट करने में बिलीव करते थे, लेकिन इल्तुतमिश का ये मानना था कि अपॉइंटिंग एरिस्टोक्रेट्स और शेफ्शंस या गवर्नर्स को, इसकी बजाय मैं किसी एक अच्छे से रिलायबल स्लेव को, जिसको हम बंदांगन कहते हैं स्लेव्स को पर्शियन में, तो इन्हें अपॉइंट करूं तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि स्लेव्स जो हैं उनको ऐसे ही ट्रेन किया जाता है कि वो अपने मास्टर की हर बात मानते हैं। दे आर ओनली डिपेंडेंट अपॉन मास्टर, तो इसलिए मास्टर उन्हें, स्लेव का जो मास्टर है वो उन्हें टोटली ट्रस्ट कर सकता है, और इन्हें ऐसे ही ट्रेन किया जाता है सम वेरी पॉलिटिकली इम्पॉर्टेंट ऑफिसर्स के लिए। इन्हें हर चीज़ के लिए मिलिट्री ट्रेनिंग्स बहुत अच्छी दी जाती थी, और इनकी मिलिट्री जो होती थी फेवर्ड देयर स्पेशल स्लेव्स परचेस्ड फॉर मिलिट्री सर्विस। मतलब ये मिलिट्री सर्विसेज भी ऐसे देते थे कि हम अपने मास्टर के लिए जान दे देंगे, काइंड ऑफ थिंग, राइट? तो ऑल इन ऑल दे वर रियली वेरी वेरी रिलायबल। The Khiljis and Tughlaqs continues to use Bandangan also raised people of humble birth who were often their clients. Clients ka matlab hota hai someone who is under protection of another dependent. Matlab ye logon ne bhi aage Bandangans ko rakha hua tha, aur kuch log humble log inke saath jude the jinhe ye clients